हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th फॉलो तो अपन ने आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से कर लिया था भाई, समझ में आया था ना? बढ़िया एकदम। तो चलो आइसोमर के आगे अपन को क्या पढ़ना था भाई? आगे अपन को पढ़ना था टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आज का टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर बात आ रही है? आज अपन को सब कुछ सीखना है जहां तक हो पाएगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्लियर? तो पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या सीखा था भाई? पिछली क्लास में अपन ने यह सीखा था कि कैसे हम पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बात कर रहे थे, कि कौन चेन आइसोमर है, कौन मेटामर है, कौन पोजिशन आइसोमर है, कौन टॉटोमर है। इन सब के बारे में अपन ने सीखा था। आज अपन सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि पूछा क्या क्या जाता है बच्चों। यहाँ पर ये पूछा जाता है आपको, यहाँ पर मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवेन होगा, कोई एक मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवेन होगा। उस मॉलिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से आपको बताना होगा कि क्या इसमें एल्कीन पॉसिबल है, क्या इसमें साइक्लिक पॉसिबल है, क्या इसमें एल्केन पॉसिबल है। कैसे बताओगे? इसके लिए मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी, और बहुत तगड़ी चीज़ पढ़ाई थी, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या था डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन? C+1 - H+X - N / 2। यही तो था। क्या समझ में आया क्या था ये? क्योंकि मुझे सब कुछ यही बताएगा कि मॉलिकुलर फॉर्मूला में क्या है क्या नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं बहुत अच्छे से, फुल एनर्जी के साथ। जैसे मान लीजिए मेरे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन है C4H10। मान लीजिए मेरे पास C4H10 है, गिवन है, और मुझसे पूछा गया। अभी मैं आपको सबसे पहले सिखाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन। क्या सिखाने जा रहा हूँ? स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। समझिएगा कि कैसे एल्केन के स्ट्रक्चर हम बताते हैं। रटना बिल्कुल नहीं है, पहली बात। जितनी चीज़ समझाई जाए उतनी चीज़ आप समझो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं इनको रट के कभी सीख नहीं सकते आप। इनको आप समझ के हमेशा सीखोगे, और समझ के ऐसा सीखोगे गलती कभी नहीं होगी। तो दिक्कत क्या है आपके समझने में? समझोगे ढंग से ना तो दिक्कत कभी नहीं होगी। और मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल कैपेबल हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिखा सकता हूँ। तो चलिए जुड़े रहें। तो बात करते हैं, मेरे पास मान लीजिए मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है। तो सबसे पहली बात आती है C4H10 के लिए कि C4H10 में DU कितनी है, क्या वो एल्केन बनाएगा, क्या वो एल्कीन बनाएगा, क्या वो एल्काइन बनाएगा, कौन बताएगा मुझे? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालें। C+1 = 5, 10/2 = 5, कितना हो गया? 0। बिल्कुल सही बात है सर कि यहाँ पर बन क्या सकता है? सिर्फ और सिर्फ एल्केन बन सकती है। क्यों एल्केन बन सकती है? क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी है बच्चों? 0 है। अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 होती तो मैं ये कहता कि ये एल्कीन बन सकती है, ये साइक्लिक बन सकती है। अगर यहाँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है तो मैं क्या बोलूँगा सिंपली कि ये क्या बन सकती है? सिर्फ और सिर्फ एल्केन बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकती है? एल्केन बन सकती है। क्या अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो चलिए, अब एल्केन में मुझे पता चल गया कि यार DU 0 है, अब कैसे बनाएं? तो सबसे पहली चीज होती है लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन से आप स्टार्ट करो, और जितनी छोटी चेन में आप कर सकते हो उतनी छोटी चेन में आप करते जाओ। जैसे यहां 4 कार्बन थे तो मैक्सिमम चेन लेंथ कितनी हो सकती है? 4 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, कभी भी 2 की चेन नहीं बनती। क्यों बच्चों? क्योंकि 2 में अगर कोई चीज जोड़ोगे तो ऑब्वियसली बात है वो कितने की बन जाएगी? 3 की बन जाएगी। इसीलिए कभी भी 2 की चेन हम नहीं बनाते हैं, कभी भी 2 की चेन पॉसिबल नहीं होती है। क्या समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं 4 में कैसे बनाओगे। क्या 4 मेंबर की बात करें तो आपको हमेशा लाइन स्ट्रक्चर यूज करना है बच्चों। क्या 4 में मैं यही तो लगा सकता हूँ, सब एक साथ जोड़ दूँ, सारे एक साथ जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? 4 मेंबर की चेन बन जाएगी। अब बात करते हैं कि 4 में चलो पॉसिबल और कुछ है नहीं, यही बन सकता है। 3 में क्या पॉसिबल है? तो पहले आप 3 की चेन बना लो, पहले आप क्या करो 3 की चेन बना लो। अब आपको पता है कि बचे क्या हैं, एक कार्बन बचा है आपके पास। अगर वो कार्बन आप यहाँ कनेक्ट करते हो तो फिर से यही बन जाएगा, सही बात है। यहाँ कनेक्ट करते हो फिर से यही बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन क्या है? सेम है। कहाँ पर लगा सकते हो? यहाँ लगा सकते हो। क्या क्लियर हो गया? क्या ये चेन लेंथ 1, 2, 3 की है? ये 1, 2, 3, 4 है।
क्या इसके अलावा कोई आइसोमर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो मैं कह सकता हूँ 4 की चेन में एक बनेगा और 3 की चेन में एक बनेगा। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पर कितने आइसोमर होंगे? 2 आइसोमर। किसी ने कहा इन दोनों आइसोमर में रिलेशन बताओ, हमने सीख रखा है, बता सकते हैं। 4 की कार्बन पेरेंट कार्बन चेन लेंथ है या 3 की पेरेंट कार्बन चेन लेंथ है? क्या बोलोगे? चेन आइसोमर। क्या बोलोगे? चेन आइसोमर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, C5H12 में मुझे बताओ कितने पॉसिबल एल्केन है। तो पहली क्वेश्चन है कि डी यू निकालो। डी यू निकाल के समझ में आएगा कि डी यू जीरो आ रही है। क्या समझ में आता है? बिल्कुल क्लियर है। अब डी यू जीरो है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है? एल्केन बन सकता है। और एल्केन बनाने के लिए मैंने आपको बताया, पहले आप क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ देखो और छोटे चेन लेंथ की तरफ बढ़ते जाओ। 5 की बन सकती है, 4 की बन सकती है और 3 की बन सकती है। मैंने आपको बताया 2 की चेन लेंथ क्यों नहीं बन सकती। क्या क्लियर है भाई? क्या समझ में आता है कि 2 की चेन लेंथ क्यों नहीं बन सकती? तो आप देखो 5 में क्या करोगे? 5 में तो सिंपल है, सब एक साथ जोड़ दिया, एक ही पॉसिबिलिटीज है। बात करते हैं 4 की। तो पहले 4 की बना लो। बना लिया? तरीका सीखो, पहले 4 की बना लो। अब मेरे पास बचे कितने कार्बन? 1। अब उस एक कार्बन को मैं यहां लगाऊं तो ये बन जाएगा, यहां लगाऊं तो भी यही बन जाएगा। इसका मतलब बीच वाले कार्बन ही कुछ कर सकते हैं। अगर मैंने मान लो यहां लगा दिया, क्या ये दोनों डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब क्या ये आइसोमर है? बिल्कुल आइसोमर है। कोई पूछे कैसे आइसोमर है? 5 की चेन है, 4 की चेन है, चेन आइसोमर है। क्लियर हो रहा है? किसी ने कहा कि सर यहां तो लगा दिया एक कार्बन को, यहां क्यों नहीं लगाया? जैसे ही बच्चों यहां लगाओगे चीजें रिपीट कर जाएंगी। ये भी 2-methyl-butane है, ये भी 2-methyl-butane है, इसीलिए मैं इसे काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। बात करते हैं 3 में। तो पहले 3 की बना लो। अब मैं यहां क्यों नहीं जोड़ सकता, बताने की जरूरत है क्या? 4 की बन जाएगी, कोई मतलब नहीं है। बचे हुए दोनों कार्बन को मैं यहां नहीं जोड़ सकता, कहां पर जोड़ूंगा? यहां पे। एक कार्बन और कहां जोड़ूंगा? एक वैलेंसी अभी भी फ्री है तो एक कार्बन और जोड़ सकता हूं। क्या कोई और पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती है? नहीं। तो कितने आइसोमर होंगे? 3 आइसोमर। चलिए बच्चों नोट करें फटाक से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट सीखते रहें और बढ़िया एकदम मजा आएगा। सीखते रहें बच्चों, सीखते रहें, ठीक है। चलो यहां इसके आगे करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे बनाओ C6H14। देखना बच्चों कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्केन में ही C6H14। क्या करोगे? सबसे पहले DU निकालोगे। DU निकालते ही समझ में आएगा DU कितनी आ रही है? 0। अब DU 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या बन सकता है? एल्केन बन सकता है। क्या बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ एल्केन बन सकता है। एल्केन बनेगा तो सबसे बड़ी चेन 6 की है, फिर 5 की है, फिर 4 की है और फिर 3 की है। 2 की चेन बनती नहीं है। 6 में क्या बनेगा? सिंपल, 6 के 6 को जोड़ दिया, 1। 5 में पहले 5 की बना लो। क्या बताया मैंने? पहले 5 की बना लो। बचा एक कार्बन। अब उस एक कार्बन को मैं कहां जोड़ूं? ध्यान देना, यहां मैं जोड़ नहीं सकता क्योंकि आपको पता है अगर मैंने जोड़ा तो 6 मेंबर बन जाना है। बीच में जोड़ूंगा तो कहां कहां जोड़ सकता हूं? यहां जोड़ सकता हूं। और ध्यान दो ये पोजीशन भी डिफरेंट है, ये है 1-2 और ये है 1-2-3। इसका मतलब बच्चों मैं इस एक कार्बन को यहां भी जोड़ सकता हूं और दोनों अलग अलग आइसोमर है। कोई पूछे इन दोनों आइसोमर में क्या रिलेशन है? पोजीशन आइसोमर, क्योंकि चेन लेंथ क्या है? 5 है। चेन लेंथ 5 की है तो चेन लेंथ के बाद सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा है बच्चों? यहां 2 पे लगाया और यहां पर 3 पे लगाया। तो क्या बोलूंगा इनको मैं? पोजीशन आइसोमर। क्लियर है क्या? 5 में और कोई पॉसिबिलिटीज है? इसको उठाकर अगर यहां लगाऊं तो बात फिर से यही आ जाएगी। सही बात है। 4 की, तो पहले 4 की बना लो। मैं बचे हुए दोनों कार्बन यहां तो जोड़ नहीं सकता तो मैं कहां जोड़ूंगा? बीच वाले कार्बन पे, जैसे मैंने 3 में जोड़ा था, जोड़ लिया। अब क्या करना है? फिर से सोचना है कि क्या मैं ये दो कार्बन यहां लगाता तो सेम आता। इसका मतलब मैं किसी एक को उठाऊंगा और चेंज कर दूंगा। क्या मेरे पास डिफरेंट आ गया? ध्यान आया। अब इसको मैं कहीं और नहीं लगा सकता। आपको लग रहा है अगर मैं इसको यहां लगा दूं
तो बच्चों फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ध्यान दो। इसको यहाँ लगाओगे तो पूरा पांच मेंबर रिंग गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या यही बन सकता है? बिल्कुल यही बन सकता है। अब बात करते हैं थ्री मेंबर में, तो पहले थ्री मेंबर्स बना लो। बच्चे कितने कार्बन? तीन। तीन को मैं यहां तो लगा नहीं सकता और ना ही मैं तीन कार्बन को एक साथ यहां लगा सकता हूं, क्योंकि वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों? पांच। एक दो तीन चार पांच, और ये गलत हो जाएगा। इसीलिए थ्री मेंबर नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ कितने बनेंगे? वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहां मैं आइसोमर लिख सकता हूं, फाइव एल्केन आर पॉसिबल, फाइव एल्केन आर पॉसिबल। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है क्या सब कुछ? तो चलो नोट कर लो फटाक से, इसे आपके लिए होमवर्क है, C7H16 में मेरे को बनाकर दिखाना, आंसर बताना। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको करना है। तो अब मैं इसके बाद शुरू करता हूँ बच्चों। एल्केन बनाने में कोई दिक्कत आई क्या, मुझे बताओ सबसे पहले, क्या एल्केन बनाने में कोई दिक्कत आई? क्या बनाना सीख गए हो? अब मैं आपको बनाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कीन कैसे बनेगा देखो। एल्कीन बनने के लिए डीयू कितनी चाहिए? कम से कम एक, कम से कम एक डीयू चाहिए, तभी मैं उसमें एल्कीन बना सकता हूँ। तो सोचो अगर मेरे पास यहाँ पर C4H8 होता, डीयू निकालो, फट से डीयू निकालो भाई। डीयू निकालने पे क्या आ रहा है? क्या डीयू यहाँ पर वन आ रही है? आप देख सकते हो कैसे, 4+1 5, और 5 के बाद यहाँ आएगा 4, क्योंकि 8 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 4, 5-4 कितना हुआ? 1। इसका मतलब डीयू कितनी आई? 1। इसका मतलब एल्कीन पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, एल्कीन पॉसिबल है यहाँ पे। क्लियर समझ में आया? एल्कीन पॉसिबल है तो बताओ कैसी एल्कीन बनेगी। अब मैं आपको इसका फंडा बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी अगर एल्कीन बनानी है तो आपको सबसे पहले एल्केन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एल्केन। और फोर मेंबर में एल्केन हमने सीख रखा है, एक तो ये बनता है, और थ्री मेंबर में पहले थ्री मेंबर बना लिया और एक ये बना लिया, बना लिया। अब जब आप एल्केन बना लोगे, इसके बाद आपको ये डीयू क्या करनी है? फिट करनी है इस कंपाउंड में। अब डीयू फिट करने का मतलब क्या हुआ? डीयू फिट करने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि मैं अब एल्कीन को लगा सकता हूं कहां कहां। यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, और यहां लगाऊंगा तो रिपीट कर जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? तो जहां जहां आप सोच रहे हो वहां वहां आप एल्कीन लगा दो। क्या बहुत इजी हो गया? कुछ सोचना नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सोचूंगा कहां कहां एल्कीन लगा सकता हूं। इस कार्बन से ये बॉन्ड भी सेम है, ये बॉन्ड भी सेम है, ये बॉन्ड भी सेम है। इसका मतलब किसी एक जगह एल्कीन लगा सकता हूँ, और किसी एक जगह एल्कीन लगाऊंगा तो क्या लगा दूंगा? ये लगा दूंगा। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? क्या और कोई आइसोमर बन सकता है? नहीं। तो जब मुझे कोई चीज़ सोचनी भी ना पड़े और अपना आंसर आ जाए, तो इससे बेस्ट क्या है यार? इससे बेस्ट कुछ है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा, आपको सिर्फ प्रोसेस पता है, आपको सिर्फ प्रोसेस करने का तरीका पता है, और तरीके से ही आप बता दे रहे हो कि यहाँ पर ये पॉसिबल है या नहीं। क्लियर है? तो चलो आगे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक और मॉलिकुलर फॉर्मूला होता C5H10, और मैंने आपसे कहा कि C5H10 में आपको क्या बनाना है? एल्कीन बनानी है। क्या बनाना है? एल्कीन बनानी है। पहले देखोगे एल्कीन पॉसिबल है या नहीं, तो क्या निकालोगे? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी आ रही है जरा ध्यान से बताओ। क्या आपने निकाल लिया? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ रही होगी 1 आ रही है। अब 1 आ रही है, इसका मतलब एल्केन बन सकती है। मैंने अभी बताया एल्कीन बनाने से पहले आपको क्या बनाना है? एल्केन। पांच मेंबर में एल्केन आपने बनाना सीख रखा है, पांच में ये बनती है, इसी की चार में बनाओ तो ये बनती है, और इसी की तीन में बनाओ तो ये बनती है। क्या सही है? अब आपको क्या करना है? एल्कीन लगाना है। कहाँ कहाँ एल्कीन लगा सकते हो? ध्यान से देखो, यहाँ लगा सकते हो, डिफरेंट बनेगी, यहाँ लगा सकते हो, डिफरेंट बनेगी, दिख रहा है। ये और ये सेम है बच्चों, 1 2 1 2, ये और ये सेम है, वैसे ही ये और ये सेम है। क्या समझ में आता है? तो बताओ मुझे, मैं डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सकता हूँ? ये बना सकता हूँ और ये बना सकता हूँ। कोई पूछे इन दोनों में रिलेशन क्या है, आपका आंसर होगा पोजीशन आइसोमर। क्यों? एल्कीन की पोजीशन तो जा रही है,
पेरेंट कार्बन चेन लेंथ कितने की है? 5 की है। क्लियर समझ में आता है? 4 में आओ, कहाँ कहाँ लगा सकते हो? यहाँ लगा सकते हो। ये और ये सेम है बच्चों, क्योंकि एक ही कार्बन से निकले हैं, इसका मतलब ये और ये सेम होंगे। यहाँ लगा सकते हो और यहाँ लगा सकते हो, सही बात है, लगा दो। कहाँ कहाँ लगा सकते हो? सॉरी, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, सही बात है। अब आपने देखा कि इस वाले में क्या करोगे यार, क्या इसमें कभी भी एल्कीन बन सकती है? सोच के देखो, एक वैलेंसी भाई 5 हो जाएंगी, 4 तो पहले से ही है, 5 कार्बन की वैलेंसी नहीं होती है, तो यहाँ एल्कीन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कितनी एल्कीन पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ ये 5 एल्कीन पॉसिबल है। क्या समझ में आ गया कि आप कैसे एल्कीन बना रहे हो? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? तो चलो आगे और सीखते हैं। अब मैं एल्कीन के बाद अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं एल्कीन की हेल्प से। कैसे बनाते हैं देखिए, क्योंकि एक डीयू में साइक्लिक भी पॉसिबल है और एक डीयू में एल्कीन भी पॉसिबल है। जैसे मेरे पास C4H8 होता और मैंने कहा ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर, ध्यान देना बच्चों, ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ध्यान दो कैसे बनाते हैं। मान लो मुझे कभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना हुआ तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि C4H8 में डी यू एक है भी या नहीं, तो निकाल के देखो तो समझ में आएगा डी यू एक आती है, पक्की बात है। डी यू वन आ रही है, इसका मतलब साइक्लिक बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब साइक्लिक बन सकता है तो साइक्लिक में क्या बनेगा, ध्यान दो। मुझे पता है यहां साइक्लिक पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं यहां पर साइक्लिक की बात करूं तो सबसे बड़ी साइक्लिक कितने की बन सकती है? जितने मैक्सिमम कार्बन है 4 की बन सकती है। क्या साइक्लिक 3 की बनती है? बिल्कुल बनती है। तो मुझे जितनी पॉसिबल साइक्लिक है वो बना लेनी है। क्या साइक्लिक कभी 2 की बनती है? भाई 2 की कौन सी साइक्लिक देख ली आज तक दुनिया में? चुन्नू कैसे कर रहे हो, है ना, नहीं बनती। क्लियर? 4 में क्या बनाओगे? सिंपल एक 4 वाली मेंबर चेन बना दोगे, एक ही तो पॉसिबल है इसमें, क्या और कुछ सोचने वाला है क्या बताओ। 5 में मैक्सिमम 5 की बना दोगे, 6 में मैक्सिमम 6 की बना दोगे, वैसे 4 में मैक्सिमम 4 की बना दोगे। अब 3 की बनानी है तो पहले 3 की बना लो, पहले 3 की बना लो, बना लिया, बचा एक कार्बन। अब उस एक कार्बन को मैं कहाँ लगाऊँ? सोचो, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ? सारी बातें सेम है तो मैं किसी एक जगह लगा दूंगा। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है? आपने कहा इसको उठा के यहाँ लगाओ, बात वही है, वन नंबरिंग तो उसे ही जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पर। क्या समझ में आता है? क्लियर होता है। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास C5H10 है। बहुत अच्छे से सीखना बच्चों, क्योंकि एक बार साइक्लिक और ये सब सीख गए ना तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सीखने के बाद आप गेम खेल सकते हो बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत हलवा होने वाली है, ठीक है। C5H10 की बात करें तो पहले बताओ डी यू कितनी है? 1। 1 डी यू में क्या बन सकता है? 1 डी यू में बन सकता है एल्कीन, 1 डी यू में बन सकता है साइक्लिक, और मेरा क्वेश्चन है ओनली साइक्लिक। आप कैसे बनाओगे? ओनली साइक्लिक है तो कोई दिक्कत नहीं, ओनली साइक्लिक बना देंगे। कैसे? मुझे पता है 5 की बन सकती है साइक्लिक, 4 की बन सकती है और 3 की बन सकती है, सही बात है। 5 की क्या बन सकती है? सिर्फ और सिर्फ 1 यही बन सकती है और कुछ नहीं बन सकता, क्या सही बात है, समझ में आ रहा है? तो जब यही बन सकती है तो बताओ अब 4 में क्या करोगे? पहले 4 की बना लोगे, पहले 4 की बना लोगे, बचे कितने कार्बन? 1। और उस एक कार्बन को कहाँ फिक्स कर सकते हो? क्या ये चारों कार्बन आइडेंटिकल हैं? चारों कार्बन आइडेंटिकल हैं तो कहीं भी लगाओ, इसका मतलब मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, मैं कहीं और भी लगा सकता हूँ। अब बात आती है कि अब 4 में और कोई पॉसिबल है? नहीं। 3 में पॉसिबल है, पहले 3 की बना लो, बच्चे कितने कार्बन? 2। अब मैं आपको फंडे सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। जब कभी भी एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन बचे हों तो हमेशा उन दोनों कार्बन को इस तरीके से लगाना होता है, जैसे कि चेन तरीका। आपको एक साथ नहीं लगाना है, आपको क्या करना है? अलग अलग लगाना है। अब यही आपको बताएगा कि आगे क्या होगा। क्या बताएगा? देखो ये जो कार्बन है इसे आप यहां तो कनेक्ट कर ही चुके हो, आप यहां कनेक्ट कर सकते हो, आप यहां कनेक्ट कर सकते हो, ये और ये कार्बन सेम है, चाहे यहां कनेक्ट करो या यहां कनेक्ट करो, बात एक ही है। अब जो तुमने सोचा है वो तुम बना लो। यहां लगा हुआ था
कहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ लगा दिया, ये बना हुआ था, कहाँ कनेक्ट करना है इस कार्बन को, यहाँ बना दिया, क्या मुझे सोचना पड़ा? फिर से देखो, एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन लगे हों तो सिंपल उनको चेन की तरह बना लो, और उनको उठा के क्या करना होता है, उनकी पोजीशन चेंज करनी होती है। यहाँ आपने लगा ही रखा है इसको, कहाँ लगा सकते हो, यहाँ कहाँ लगा सकते हो, यहाँ कहाँ लगा सकते हो, यहाँ, ये और ये पोजीशन सेम है इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं लगाया। क्लियर बात समझ में आती है? तो बताओ साइक्लिक स्ट्रक्चर C5H10 में कितने आ गए, 5। क्लियर है? नोट करो, फट से नोट करो भाई। मान लीजिए मेरे पास एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं, साइक्लिक से रिलेटेड है, C6H12। ट्राई करें बच्चों, C6H12 में कितने साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं मुझे आपको बताना है। क्या बोला मैंने, C6H12 में कितने साइक्लिक आइसोमर बन सकते हैं वो आपको बताना है। साइक्लिक आइसोमर का मतलब क्या हुआ, साइक्लिक आइसोमर का मतलब हुआ DU कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1। और ध्यान से देखो DU 1 आ रही है, निकाल के देख लिया DU कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो मुझे बताओ DU 1 आ रही है तो मैं इस DU 1 को यूज़ कहाँ करूँगा, साइक्लिक में, और 6 मेंबर साइक्लिक में मैक्सिमम 6 की बन सकती है, 5 की बन सकती है, 4 की बन सकती है और 3 की बन सकती है। समझ में आता है? अब देखिए एक एक को बना रहा हूँ, सीखिएगा। मैंने आपको बताया 6 में तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा, क्या सही बात है, एक ही बन सकता है। 5 में 5 की बना लो पहले, बचा एक कार्बन, सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं तो किसी एक जगह पर लगा दिया, क्या सही बात है। 4 में देखो तो पहले 4 की बना लो। फिर मैंने आपको अभी सिखाया कि जब एक से ज़्यादा कार्बन बचे हों, ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक से ज़्यादा कार्बन बचे हों तो हमेशा आप उनको कुछ इस तरीके से लगाने की कोशिश करो। क्लियर? 2 कार्बन बचे थे, मैंने इनको ऐसे लगा दिया। अब सोचो ये जो कार्बन है ये यहाँ तो कनेक्टेड है ही, यहाँ कनेक्टेड हो सकता है, यहाँ कनेक्टेड हो सकता है और यहाँ कनेक्टेड हो सकता है, जो सोचा है वो बना दो। ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, क्या सब कुछ वैसा ही है? क्लियर समझ में आता है? तो मुझे बताओ क्या 4 मेंबर बनाने में कोई दिक्कत हुई? अब बात करते हैं 3 मेंबर की, क्योंकि यहां पर 3 मेंबर बनाने के बाद आपके पास बचेंगे 3 कार्बन। तो जब भी एक से ज्यादा कार्बन बचे हो हमें कौन रास्ता दिखाएगा, कुछ ऐसा बनाने पे रास्ता दिखेगा, मतलब बचे 3 कार्बन को आप कैसे लगा दो, ऐसे लगा दिया, सिंपल है। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले कार्बन को चेक करो, यहां तो लगा ही है, ये सही बात है, यहां तो लगा ही है, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, ये और ये सेम है, जो तुमने सोचा है वो बना लो। यहां लगा सकते हो इसको, ये तो था ही, यहां लगा सकते हो इसको, यहां लगा सकते हो। अब क्या करना है, अब आपको फिर से वहीं जाना है, क्योंकि ये कार्बन तो हटा नहीं सकते हो, हटा किसको सकते हो, इसको, यहां तो लगा ही है, यहां लगा सकते हो। अच्छा यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात सेम है, कैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां लगा के ये कर दिया या यहां लगा के ये कर दिया, बात सेम है बच्चों, इसीलिए मैं इसको अलग से नहीं बना रहा हूं। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? तो आपने देखा कि इस वाले को आपने उठा के यहां तो लगा दिया, क्या एक पोजीशन ये भी है, इसका मतलब ये भी बन सकता है। तो मैं आपको इसलिए ऐसा तरीका बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप रैंडम चलते हैं, आप एकदम रैंडम बनाते हैं, और रैंडम बनाएंगे तो चीज़ें गलत होंगी, आप भूल जाओगे, कोई ना कोई आइसोमर छूट जाएगा। और जेई मेंस एडवांस, ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, C6H12 में 3 मेंबर साइक्लिक कितने बनेंगे, एडवांस में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, आंसर है 6। कैसे 6 आया आपको समझ में आ रहा है? तो आपको रटना नहीं है, आपको बनाना सीखना है। तो 6 आइसोमर ये हैं, 4 आइसोमर ये हैं और 2 आइसोमर ये हैं, इसका मतलब टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ कितने बनेंगे, 12 साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर। नोट कर लें इसे। तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, समझ में आया बात, बढ़िया से क्लियर हो गई क्या, कि कैसे हम यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं।
बढ़िया से क्लियर हो रहा है, तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अपन ने एल्केन सीख लिया, एल्काइन सीख लिया, साइक्लिक सीख लिया, अब अपने पास जो बचा हुआ है वो है एल्काइन। एल्काइन कैसे बनाते हैं? अच्छा बताओ, एल्काइन बनाने के लिए कम से कम DU कितनी चाहिए? 2 DU चाहिए या नहीं चाहिए? सही बात है। जैसे मैंने आपसे बोला C4H6 बोल दिया मान लो, अब C4H6 में DU निकालो फॉर्मूले से, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूले से DU निकालोगे तो DU कितनी आएगी बताओ? क्या DU 2 आ रही है? पक्की बात है, निकाला, DU कितनी आ रही है? 2 आ रही होगी। DU 2 का मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर एल्काइन बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर एल्काइन बना सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर साइक्लिक के साथ एल्कीन भी बना सकता हूँ? क्यों? क्योंकि एक DU साइक्लिक ले सकती है, एक DU एल्कीन ले सकती है, और मैं यहाँ पर डाई एल्कीन भी बना सकता हूँ। एक बार मैं सारे बना के दिखाता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्लियर है? एक बार मैं सारे आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए क्या क्या। सबसे पहले एल्काइन, एल्काइन का मतलब हुआ कि क्या एल्काइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले एल्केन तो बनाना ही पड़ेगा, 4 मेंबर में एल्केन यही बन सकती है, सही बात है। अब एल्काइन ग्रुप लगाना है, तो जैसे मैं एल्कीन ग्रुप लगा रहा था वैसे मैं एल्काइन ग्रुप लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? ध्यान दो, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, और यहां लगाऊंगा तो चीजें रिपीट हो जाएंगी। तो मैं क्या क्या बना सकता हूं? मैं ये बना सकता हूं और मैं ये बना सकता हूं, सही बात है, क्लियर हुआ। तो कैसे मैंने यहां से ये बनाया, क्या क्लियर हो रही बात है? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरे पास ये है तो क्या यहां कभी एल्काइन बन सकता है? बच्चों अगर 3 बॉन्ड बना दिया ना तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, और जो कि वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। तो बताओ एल्काइन कितनी बना सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 2 बना सकते हो, क्लियर बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए आपसे पूछा साइक्लिक प्लस एल्कीन, तो साइक्लिक प्लस एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो पहले आप साइक्लिक बना लो, 4 की साइक्लिक बना ली और 3 की साइक्लिक बना ली। अब आपको करना क्या है? एक DU आप पहले ही दे चुके हो, एक DU और देनी है। कैसे दे सकते हो एक DU? ध्यान दो, क्या यहां पर एल्कीन बना सकते हो? बिल्कुल एल्कीन बना सकते हो। यहां एल्कीन बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, या यहां बनाओ, बात एक ही है बच्चों। इसका नाम भी 1-ब्यूटीन होगा, इसका नाम भी 1-ब्यूटीन होगा, इसीलिए मैं चीजों को रिपीट नहीं बना रहा हूं। क्या क्लियर समझ में आता है कि कैसे किया? एक स्ट्रक्चर और फॉलो है, एक स्ट्रक्चर और है यहां पर, बहुत सस्पेंस है इसमें, सोच पाए बच्चों? एक स्ट्रक्चर बनता है बाईसाइक्लो। आप सोचो बाईसाइक्लो में भी साइक्लिक कितनी हो गई? 2 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना कि कभी पूछ ले 4 मेंबर में 2 DU का मतलब क्या है, तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं 3 में, करना क्या है? एल्कीन बनाना है। एल्कीन बनाने का मतलब यहां जोड़ सकता हूं, यहां जोड़ सकता हूं और यहां जोड़ सकता हूं। क्यों? ये और ये सेम है, इसलिए मैं इसको नहीं जोड़ रहा हूं। अब बना दो। अब आपको मजा आने लगा होगा कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बना लेंगे, बहुत इजी बना लेंगे। तो कितनी स्ट्रक्चर बन गई? 5। यहां कितने बन गए? एल्काइन 2। अब डाई एल्कीन की बात करें तो डाई एल्कीन के लिए भी क्या करना है? पहले एल्केन बना लेनी है। अब डाई एल्कीन का मतलब क्या हुआ? 2 एल्कीन एक साथ, ये लगा सकते हो, ये और ये लगा सकते हो। अब किसी ने कहा ये और ये लगाओ, बात सेम है यार। यहां पर बताओ, क्या यहां पर 2 एल्कीन लगाने पर वैलेंसी 5 हो जाएंगी? इसका मतलब यहां पर वैलिड नहीं है, सिर्फ ये वाला वैलिड है। तो समझ में आया आपको कि डाई एल्कीन पूछे, साइक्लिक प्लस एल्कीन पूछे, या एल्काइन पूछे, आप सब कुछ बना सकते हो। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और उस क्वेश्चन में मेरे पास एक फिक्स प्रॉब्लम है, आप देखना मैं क्या पूछने जा रहा हूं, सुनिएगा मेरी प्रॉब्लम को। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है, C5H8 में आपको क्या बनानी है? एल्काइन बनानी है, और क्या बनानी है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक एल्कीन। 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले आप एल्काइन बनाएं, एल्काइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एल्केन बनाना पड़ेगा, और उसमें पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी।
एल्काइन बनाने के बाद आपको साइक्लिक एल्कीन बनाने के लिए पहले साइक्लिक बनाओ और फिर सोचो एल्कीन कहाँ कहाँ लगा सकते हो। सोचो, करो बच्चों, करो इसको, करो। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर स्ट्रक्चर्स की, तो ध्यान दें, एल्काइन बनाने के लिए क्या आपको एल्केन बनाना पड़ेगा? तो पहले आप एल्केन बना लें। अब आप सीख चुके हैं एल्केन बनाने के लिए। क्या कभी भी यहां एल्काइन बन सकती है? नहीं, ये तो, ये कैरेक्टर तो गायब हो गया। यहां पर देखो कहां कहां लगा सकते हो, यहां एल्काइन लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, बाकी चीजें रिपीट कर जाएंगी। ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, क्लियर। फोर में देखो, क्या आप यहां कभी एल्काइन लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि वैलेंसी 5 हो जाएंगी। यहां पर लगा सकते हो क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी है, तो यहां पर 3 बॉन्ड झेल सकता है ये। इसका मतलब ये प्लस बन सकता है, क्लियर। यहां पर क्यों नहीं बनेगा? क्लियर हो गया, तो आपको एल्काइन क्लियर हो गई। क्या आंसर सही आ रहा है भाई? 3 सबका आ रहा है। अब चलो 4 मेंबर साइक्लिक एल्केन। तो सबसे पहले 4 मेंबर बना लो। कितने कार्बन है? 5। तो 4 मेंबर की चेन बन गई, सॉरी रिंग बन गई। बचा एक कार्बन, कहाँ लगाओगे? यहाँ लगा दिया, वही बात है, यही स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्या करना है? एल्कीन जोड़नी है। कहाँ कहाँ लगा सकते हो एल्कीन? यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, सही बात है, क्योंकि ये और ये सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे, सही बात। जो किया है वो लगा दो, सही बात है। तो कितनी एल्कीन बन गई साइक्लिक में? 3। और कितने एल्काइन बन गए? 3। तो यहां पर आप आंसर कर सकते हो। तो क्लियर आपको समझ में आया कि आपने यहां पर कैसे एल्कीन, एल्काइन, साइक्लिक स्ट्रक्चर और इन सब चीजों के बारे में सीखा। क्लियर बात समझ में आती है? अब हम बात करने वाले हैं अल्कोहल बनाने में। ध्यान दो बच्चों, अल्कोहल घर पे नहीं बनाना है, पहली कंडीशन है। घर पे बनाओगे घर वाले बहुत मारेंगे, कूटेंगे तुम्हें, ठीक है ना? तो घर पे नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ मैं यहीं सिखा रहा हूं। तो यहाँ मिलने आओगे मेरे से, तब आपको मैं यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? चलो, तो छोजो, अब मैं आपको बनाने जा रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल अगर बात करें, तो मैंने यहां पर आपको IUPAC में एल्कोहल के बारे में चीजें बताई थी। क्या बताई थी? सबसे पहली चीज बताई थी डिग्री ऑफ एल्कोहल। क्या बताया था मैंने? डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप होता है। डिग्री ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या हुआ? जिस OH, जिस कार्बन से ये OH जुड़ा होता है, जिस कार्बन से ये OH जुड़ा होता है, उसी की डिग्री क्या कहलाती है? एल्कोहल की डिग्री। तो कितने डिग्री का एल्कोहल है? 2 डिग्री का। किसी ने कहा ये कितने डिग्री का एल्कोहल है? ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1, 2, 3। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बन है, तो एल्कोहल भी कितना हो गया? 3 डिग्री एल्कोहल। समझ में आती है बात? समझ में आती है कि नहीं आती, बताओ। तो जब मुझे एल्कोहल के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या मुझे एल्कोहल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कम से कम एक ऑक्सीजन चाहिए। DU ना हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि DU की जरूरत नहीं है एल्कोहल में। OH ग्रुप तो कभी भी ऐसे बन सकता है बिना डबल बॉन्ड के, इसका मतलब DU की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई? डिग्री ऑफ एल्कोहल समझ में आई गई है। एग्जाम्पल से समझते हैं और सीखते हैं। कभी भी एल्कोहल बनेगा तो वो कैसे बनेगा? R से OH जुड़ने पे ही तो एल्कोहल बनेगा। इसका मतलब अगर मैं R की पॉसिबिलिटीज बता दूं, तो मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ OH ही तो जोड़ना है। दिमाग लगाओ, अगर मुझे कभी ROH बनाना है तो मैं क्या सोचूंगा? पहले मैं ये सोचूंगा कि ROH की पॉसिबिलिटीज हैं क्या। क्या OH तो कभी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर R की पॉसिबिलिटीज मैं बता दूं, तो मैं बता सकता हूं कि एल्कोहल कितने बनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, C4H10O। बच्चों DU निकालो सबसे पहले। DU निकालते ही समझ में आएगा कि यहां DU है बच्चों 0। समझ में आ गया होगा 0 है। अब 0 है तो एल्कोहल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो एल्कोहल का फॉर्मेट क्या है? एल्कोहल का फॉर्मेट है बच्चों ROH। तो मैं क्या करूंगा, इस R की पॉसिबिलिटीज को बनाने की कोशिश करूंगा। और R है क्या? R है एल्केन, और एल्केन हमको बनाना आता है। कैसे बनाना आता है? 4 मेंबर में क्या क्या एल्केन थी बताओ?
ये थी और ये थी, सही बात है। अब क्या करना है मुझे, OH को जोड़ना है। OH को मैं यहाँ भी जोड़ सकता हूँ, OH को मैं यहाँ भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ और यहाँ जोड़ूंगा तो रिपीट कर जाएंगे, तो जोड़ दो बच्चों। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, क्या चार मेंबर में ये दोनों बनेंगे? अब थ्री मेंबर में देखो, एक हाइड्रोजन को हटा के ही तो OH ग्रुप लगाओगे। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये तीनों सेम है। समझ में आ रहा है कैसे? ये तीनों सेम है, इसका मतलब किसी एक पर लगाओगे, ये अलग है किसी एक पर लगा दोगे, तो बताओ क्या बना दोगे? फट से बनाओ तो क्या बन जाएगा, एक अल्कोहल ये बन जाएगा और एक अल्कोहल ये बन जाएगा, क्लियर। अब इसी में वो क्वेश्चन और पूछ सकता था क्या, कि भैया इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल बताओ। क्या करना है, डिग्री ऑफ कार्बन देख लो, कितने डिग्री ऑफ कार्बन है, 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, गिन के आंसर बता सकते हो। क्या समझ में आया अल्कोहल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप R बना लो, R बनाने के बाद OH ग्रुप जहां जहां लगा सकते हो, OH ग्रुप जहां जहां लगा सकते हो आपको लगा देना है। बस ध्यान ये देना है कि वो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, वो पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। अगर पोजीशन डिफरेंट नहीं हुई तो बच्चों वो डिफरेंट कैसे होंगे? मैं यहाँ पर भी तो लगा सकता था, लेकिन ये और ये क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और करें, यहाँ पर C5H12O पॉसिबल अल्कोहल। चलिए बात करते हैं, मुझे बताओ अगर मुझे पॉसिबल अल्कोहल बनाने हैं तो पहले मैं 5 मेंबर की क्या बनाऊंगा, एल्केन बना लूंगा, और मुझे एल्केन बनाना आता है, क्लियर। अब मुझे करना क्या है बच्चों, अब मुझे करना है सिर्फ और सिर्फ OH ग्रुप को अटैच करना है। OH ग्रुप को इस तरह अटैच करना है कि डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे वो अटैच हो। यहां कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं, सही बात है। यहां और यहां सेम होगा, यहां और यहां सेम होगा, जो तुमने किया है वो तुम बना लो। यहां OH है, यहां OH है, और यहां OH है, बना लिया बच्चों। अब यहां पर देखो, इसके लिए डिफरेंट कार्बन कौन है, ये एक डिफरेंट है, ये और ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है, ये बच्चों डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि यहां मैथिल नहीं लगा, यहां मैथिल लगा है, तो इसलिए ध्यान रखना ये क्या है, डिफरेंट है। क्या करोगे, बना दो, जहां जहां आपने लगाया है वहां वहां आप उनको जोड़ दो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, इतना सिंपल तो कुछ नहीं है। ये OH, क्या समझ में आता है? जगह आप देख रहे हो, ये OH जगह आप समझ रहे हो ना, ये OH लगा दिया, ठीक। अब बात करते हैं थ्री मेंबर में, देखो थ्री मेंबर का, देखो यहां बता रहा हूं, थ्री मेंबर में यार यहां पर OH लग सकता है क्या? जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो हटाओगे किसको, और हटाओगे नहीं तो OH लगाओगे कैसे, 5 वैलेंसी हो जाएगी, यहां नहीं लग सकता। ये सारे कार्बन क्या है, सेम है, तो किसी एक जगह लगा सकते हो, तो आपने क्या बना दिया, ये OH बना दिया। क्या समझ में आ गया भाई कि कैसे अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं, कैसे अपन यहाँ पर चीज़ों को समझा रहे हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्या बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा है? तो चलो नोट करो, और अपन यहीं पर ये कहानी एंड करते हैं आज। आज के लेक्चर में अपन ने क्या सीखा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के थ्रू एल्केन बनाना, एल्कीन बनाना, एल्काइन बनाना, साइक्लिक स्ट्रक्चर, एल्कोहल, ये सब सीखा। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम ईथर बनाना, एमाइन बनाना, और कार्बोक्सिलिक। ये सब सीखने के बाद फिर हम शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो चलो चलते रहो, धीरे धीरे सीखते रहो, चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, और इंजॉय करते रहो बच्चों, ठीक है। तो थैंक्स यू बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बच्चों, थैंक यू।